सुस्वागतम। मैं आनंद आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम हेरिटेज ऐसी कोई जगह पे नहीं जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं मंदिर कोट गणेश। दोस्तों, मैंने कोट गणेश का नाम बहुत सुना था लेकिन कभी गया नहीं था। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि चलो कोट गणेश जाते हैं। मैंने अपने वाइफ से पूछा कि कोट गणेश जाना है, तो उसने बताया हाँ। फिर मैंने पूछा बाइक पे जाना है, तो उसने सोचा और फिर बोली हाँ। तो हम दूसरे दिन निकल गए कोट गणेश। तो चलिए चलते हैं कोट गणेश। दोस्तों, कोट गणेश बड़ौदा से करीब 132 किलोमीटर की दूरी पर है। ढाई से तीन घंटे लगते हैं। सुबह के 6:30 बजे हैं। कोट गणेश जाने के लिए बड़ौदा से दो रास्ते हैं। एक वासद धर्मज तारापुर चौकड़ी से, करीब उसका डिस्टेंस 124 किलोमीटर है, और दूसरा है NH64। ये अहमदाबाद वाला हाईवे है जो वासद से सीधा आगे आनंद नड़ियात खेड़ा से एक लेफ्ट टर्न लेके खेड़ा धोड़का रोड से गणपतिपुरा जाता है। दोस्तों, मैं आज तक जब भी अहमदाबाद गया हूं तो एक्सप्रेस हाईवे से ही गया हूं, इस हाईवे से कभी नहीं गया। बहुत सालों के बाद इस हाईवे से मैं जा रहा हूं। तब ये इतना स्मूथ नहीं था, लेकिन वाकई आज ये हाईवे बहुत ही स्मूथ है और खास तौर पर सेफ है। दोस्तों, ये देखिए अमूल डेयरी। मैं नमन करता हूँ डॉक्टर कुरियन साहब को, जिनकी वजह से आज अमूल का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ है। हाईवे से लेफ्ट टर्न लेके खेड़ा धोड़का रास्ते पे आगे बढ़ना है। से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर कोट गणेश मंदिर है। और आखिरकार करीब 3 घंटे की सफर के बाद हम पहुंच गए कोट गणेश। गणपति बाप्पा मोरिया। दोस्तों, कि प्रवेश द्वार ही कितना भव्य है ना, और पूरा मंदिर भी खूब सुंदर कारीगरी के साथ बनाया गया है। इस मंदिर की गणपति की मूर्ति वाकई में खूब सुंदर है, जीवंत लगती है। क्यों ना हो, आखिर वो स्वयंभू है। यहाँ बाप्पा किसी की मर्जी से नहीं, खुद की मर्जी से स्थापित हुए हैं। प्रसाद में गणपति बाप्पा का प्रिय लाडू प्रसाद में चढ़ाया जाता है। मंदिर रोज सुबह 5:30 बजे खुलता है। मंदिर की तरफ से यहाँ सबको
चाय मुफ्त में मिलती है। रहने के लिए भी मंदिर की धर्मशाला है। मंदिर का ट्रस्ट गरीब विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहाय करता है और वैद्यकीय सहाय भी मिल जाती है। वक्रतुंड महाकाल सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और आखिर मैं अपने दोस्तों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी तक यहाँ दर्शन के लिए नहीं आए हैं वो जरूर आए और इस सुंदर स्वयंभू मूर्ति का दर्शन करें और ये अति सुंदर मंदिर को देखकर धन्यता प्राप्त करें। और दोस्तों यहाँ की फ्रेश वेफर्स खाना और घर ले जाना ना भूले। जय गणेश। दोस्तों जाने से पहले फिर से एक बार शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगले ट्रैवल व्लॉग में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।